Hey guys, welcome to my channel Foodology by Shweta. Hope everyone is doing well. Today we are going to make dal dhokli. So without further delay, let's start. एक कुकर ले जिसमें दाल पानी हल्दी और ऑयल को डालें। सभी को अच्छी तरह मिला लें। कुकर में 5 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर पकाते रहें। कुकर को 5 सीटी के बाद खोलें और अगर दाल थिक है तो उसमें वाटर ऐड कर लें। एक कढ़ाई में घी डालें, उसमें मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन सीड्स, चिली, हींग, गार्लिक और करी पत्ते को डालें। अब टमाटर डालें और तब तक पकाएं जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। अब धनिया पाउडर डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब लाल मिर्च डालें और अच्छी तरह मिला लें। अब इस तड़के में पकी हुई दाल को डाल दें। लिड बंद कर दें और थोड़ी देर पकने दें। एक बोल लें जिसमें आटा, टर्मरिक, अजवाइन, सॉल्ट और ऑयल को डालें। अच्छी तरह मिक्स करें और पानी डालें। पानी डालें और अच्छी तरह आटा नीट कर लें। कवर करके 10 मिनट तक उसे रेस्ट करने दें। एक बॉल साइज डो लें और उसे आटे से डस्ट करें। आटे को थोड़ा थिक बेल लें। अब पूरी शेप में उसे गोल गोल काट लें। चारों साइड से फोल्ड करते हुए फ्लावर शेप बना लें। आप इसे डायमंड शेप में भी बना सकते हैं। दाल बॉईल हो जाने के बाद सारी ढोकली को उसमें डाल दें। कवर करके 10 से 15 मिनट पका लें जब तक सारी ढोकली पक ना जाए। दस से 15 मिनट के बाद ओपन करें और चेक कर लें कि ये पक गया है या नहीं। उसके बाद कोरिएंडर लीफ से गार्निश करें। दाल ढोकली अब रेडी हो गया है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें।